प्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फिनमिना है जिसके थ्रू लिविंग बिंग्स अपने ही जैसे को प्रोड्यूस करते सेलुलर लेवल पर प्रोडक्शन की की बात करें तो लिविंग बॉडी में मौजूद हर सेल रिप्रोड्यूस करता है और डिवाइड करके अपने ही जैसे नए सेल्स को प्रोड्यूस करता है रूडोल्फो वो साइंटिस्ट था जिसने इस प्रिंसिपल को प्रूफ किया दैट द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब नए सेल्स पहले से मौजूद सेल के डिवाइड होने से ही बनते हैं सो डिवीजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल लाइफ साइकिल सेल दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल सेल साइकिल फ्रॉम द टाइम अ सेल इज अंटिल इट डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स सो द टाइम जब सेल प्रोड्यूस होता है और डिफरेंट स्टेप से गुजरता हुआ अपने ही जैसे दो नए सेल्स बना लेता है तो इसी सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम सेल साइकिल का नाम देते हैं ना तो क्वेश्चन अराइज कि सेल रिप्रोड्यूस करते वक्त जिन इवेंट्स और सीरीज ऑफ स्टेप्स से गुजरता है क्या ये रिवर्सिबल हैं इस इन स्टेप्स को रिवर्स किया जा सकता है द आंसर इज नो बिकॉज द इवेंट्स आर ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल एंड इट्स इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल एक सेल से दो नए सेल्स के बनने तक के अमल में जितने भी ये इवेंट्स अकर करते हैं ये एक ऑर्डर्ड और डायरेक्शनल वे में चलते हैं सो so, इनको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है लेट्स सी द फेजेस ऑफ ऑफ सेल सेल टू मेजर फेजेस नंबर वन इज द इंटरफेज एंड नंबर टू इज द माइटोटिक फेज और एम फेज माइटोटिक फेज को हम डिवाइडिंग फेज बोलते हैं और इंटरफेज वो फेज है जिसमें सेल खुद को तैयार करता है एम फेज में एंटर करवाने के लिए ट सी वट इज इंटरफेस इट इज द टाइम वेन सेल्फ प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डुन ये तैयारी का टाइम होता है जब सेल ने खुद को डिवीजन फेज में एंटर करवाने के लिए खुद को तैयार करना होता है ड्यूरिंग इंटरफेस सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज वेरी हाई इस फेज में सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बहुत हाई लेवल पे चल रहा होता है इंटरफेज इंटरफेज अबाउट नाइन्टी परसेंट टाइम लेता है और बाकी डिवाइडिंग फेज या एम फेज दैट इज टेकिंग जस्ट टेन परसेंट ऑफ द टोटल टाइम पीरियड ऑफ द सेल साइकिल सो ये सबसे लंबा फेज होता है जो इंटरफेज है जिसमें सेल खुद को तैयार करता है डिवाइडिंग फेज में जाने के लिए नेक्स्ट आता फेजिज ऑफ इंटरफेज इंटरफेज को भी फर्दर थ्री मेजर फेजेस में डिवाइड किया गया है नंबर वन जी वन जिसको हम फर्स्ट गैप भी बोलते हैं टू इज द एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं थर्ड इज द जी टू और सेकेंड गैप लेट अस डिस्कस द फेजिज ऑफ इंटरफेज विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ये जो आपको ब्लू एरिया नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरफेस को देन इंटरफेस के फर्दर फेजेस यहाँ शो किए गए हैं G1 फेज को हम फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं देन एस फेज एंड देन जी टू फेज दैट इज द सेकेंड गैप फेज जी वन फेज में सेल का साइज इंक्रीज करता है सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनालिस जो है वो डुप्लीकेट करते हैं और सेंट्रोसोम्स की सेंट्रोसोमेशन स्टार्ट होती है देन एस को सिंथेसाइजिंग बोलते हैं। इसमें डीएनए की रेप्लीकेशन होती है देन में डिफरेंट एंजाइम के सिंथेसिस की जाती है और सेंट्रोसोम्स की रेप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है इसके अलावा ऐसी प्रोटीन्स तैयार की जाती हैं जो कि माइटोटिक स्पिंडल बनाने के लिए रिक्वायर होती हैं बिकॉज एम फेज में जाने के लिए सेल को स्पिंडल फाइबर्स की जरूरत होती है देन एक और फेज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज जी नॉट फेज लेट इज डिस्कस द फेज इज वन बाई वन इन डिटेल जी वन फेज और फर्स्ट गैप फेज आफ्टर इट्स प्रोडक्शन अ सेल स्टार्ट इज सेल साइकिल इन जीवन फेज जैसे ही कोई सेल प्रोड्यूज होता है तो सेल साइकिल में वो एंटर ही जीवन फेज के थ्रू होता है लेट्स जीवन फेज में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं नंबर वन द सेल इंक्रीजेस इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन सेल के अंदर प्रोटीन की सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ ऑर्गेनालिस सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद डिफरेंट ऑर्गेलेज को डुप्लीकेट कर दिया जाता है उसका नंबर इंक्रीज कर जाता है स्पेशली राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एंड माइटोकॉन्ट्रिया जो कि सेल को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज इस फेज में सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है, जब सेल के अंदर का नंबर डुप्लिकेट होता है तो ऑफकोर्स सेल का साइज भी इंक्रीज कर जाता है देन सेंथिसाइजिंग ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन एस फेज तो कुछ ऐसे एनजाइम्स भी सिंथिसाइज किए जाते हैं जो के एस फेज के लिए रिक्वायर होते हैं इसके अलावा सेंट्रिओल्स की डुप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाती है जीवन फेज में नेक्स्ट इज द एस फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स लुक इन दिस डायग्राम दैट इज शोइंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डीएनए रेप्लिकेट करता है एंड देन नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को डुप्लीकेट किया जाता है यानी डबल हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर। अब हर क्रोमोसोम जो है मींस क्रोमोसोम इज कंसिस्टिंग ऑफ टू क्रोमाटिड्स। और ये दोनों क्रोमाटेट्स एक सेंट्रल पॉइंट जिसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं उसके थ्रू आपस में जुड़े होते हैं लास्ट वन फेज ऑफ द इंटरफेज इज द जी टू फेज जिसे हम सेकेंड गैप फेज भी बोलते हैं ड्यूरिंग जी टू फेज सेल्फ प्रस प्रोटीन असेंशियल फॉर द माइटोसिस मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिडल फाइबर्स माइटोटिक फेज जिसको हम डिवीजन फेस बोलते हैं उसमें एंटर होने के लिए स्पिडल फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन फाइबर्स को बनाने के लिए जो खास किस्म की प्रोटीन्स रिक्वायर होती है वो जी टू फेज में तैयार होती है इसके अलावा जी टू फेज में सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन कम्प्लीट हो जाती है यानी सेंट्रियोल अपने ही जैसा एक और सेंट्रियोल पेयर बना लेता है इसके अलावा सेल कीप ऑन ग्रोइंग साइज़ सेल का साइज भी बढ़ता रहता है और जो इम्पोर्टेंट कुछ एंजाइम्स हैं जो के फर्दर रिक्वायर होते हैं एम फीस फेज के लिए उसकी सिंथेसिस भी जी टू फेज में होती रहती है अनदर फेज इज द जी नोट फेज ड्यूरिंग जी नोट फेज द सेल एंटर आ स्टेट ऑफ क्वेश्चन एंड स्टॉप मूव बैक टूवर्ड्स द डायग्राम

वो जीनोट फेज में इनडेफिनाइट पीरियड के लिए जाते हैं इनडेफिनाइट पीरियड मीन्स दैट वंस दे एंटर इन द दीनोट फेज देयर इज नो लिमिट फॉर द टाइम पीरियड के वो कब इस जी नोट फेज से बाहर आएंगे या आएंगे भी या नहीं थ्रू आउट द लाइफ देन किडनी और लिवर सेल्स जी नॉट फेज में सेमी परमानेंटली जाते हैं सेमी परमानेंटली मीन्स के वो टेम्पररी जी नॉट फेज में एंटर uh, होते हैं फ्टर समाइम वो जीनोट फेज से निकल के अगेन डिवाइडिंग फेज में चले जाते हैं जो के थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं और ये कभी भी जीनोट फेज में नहीं जाते हैं तो ये था हमारा सेल साइकिल तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारे सेल साइकिल का जिसमे हमने इंटरफेस के डिफरेंट फेजेस को डिस्कस किया इंशाला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमे हम सेल साइकिल का दूसरा पार्ट करेंगे दैट इज द एम फेज